है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक। महाभारत की तो जैसे हम लोगों ने आज सॉन्ग देखा, पहले भी मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं टीवी पर, इसके काफी सारे ड्रामास वगैरह लगते रहते थे, लेकिन ऑनेस्टली कभी हम लोगों ने इस तरह से देखा नहीं इसको। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो क्योंकि कुछ वीडियोज हम लोग देखी हुई है हिंदुइज्म से रिलेटेड, तो थोड़ी बहुत जो हम लोगों को समझ आती है उसके अकॉर्डिंग मतलब जो सॉन्ग बनाया गया, इसमें मुझे मतलब एक कृष्णा जी तो नजर आई है। अच्छा, कृष्णा जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि मतलब मुझे कैसा लगा, एक तो वो जो मोर का पंख लगा था और एक जो बांसुरी पकड़ी होती है बिल्कुल। और साथ जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा एक विदेशी सिंगर से मिलाना चाहती हूँ जिसको भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म बहुत पसंद है, और ये सिंगर का एक वीडियो बहुत तेजी से इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। ये वीडियो में ये सिंगर महाभारत की टाइटल सॉन्ग गाते हुए नजर आ रही है, और ये सिंगर जर्मनी से है और इसका नाम है किस्मे, और ये जर्मन सिंगर मोदी जी से भी मिल चुका है। मोदी जी उनका गाना सुन के बहुत तारीफ किया है, और ये जर्मन सिंगर खुद एक इंटरव्यू में बताया है भारत और भारतीय संस्कृति उनको बहुत पसंद है। सिर्फ ये सिंगर नहीं, दुनिया में और भी बहुत सारे सिंगर है जो हिंदू प्रेमी गाना गाती है और अपने देश में हिंदू धर्म का प्रचार करती है। ये सब देख के पाकिस्तान से बहुत बड़ा पब्लिक रिएक्शन निकल के आ रहा है। तो एक राज्य से वीडियो की तो नो डाउट, जब आप किसी भी चीज को जो है ना एक उसकी यानी कि डीप स्टडी करते हैं ना, तो आपको उसके बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। और सनातन धर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि ये लोगों की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके बारे में लोगों को बताएं सही तरीके से। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग वीडियोस देखना शुरू हुए हैं, तो इंडियंस ने ये बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी है कि वो संड्रा, द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक व्हाई डू यू चूज इंडियन लैंग्वेजेस टू रिक्रिएट द म्यूजिक? यू कुड हैव चूजन एनी अदर लैंग्वेज, बट व्हाई जस्ट इंडियन लैंग्वेज? Yes, it's really true. I also speak in many different languages, such as French and Spanish and things like that. I learned the languages in school, but Indian languages, I tried to, like songs in Indian languages, I tried to teach myself because it really motivates me. I love Indian culture, Indian music, Indian languages, Indian people. That's great, Cassandra. And in the run-up to grand inauguration of Lord Rama Temple in Ayodhya, you must be aware of the same. Entire nation is gripped in Ram fever. So I just would like to request you on the occasion, can you please sing for us your famous song, like which you have created recently on social media, Ram Aayenge, for our audiences? Ram Aayenge to Angna Sajaunge, Deep Jala Ke Diwali Main Manaunge, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। बेशक आप लोगों के लिए ये सब्सक्राइब बटन फ्री होती है, पर हमारे लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन देती है, इसलिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।